गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास बेटा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में और इंडक्शन क्या होता है ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब डायरेक्टली हम 4.1 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, पहले का पॉइंट नंबर 1, एक P of n x स्टेटमेंट गिवन है जो है 2 की पावर 3n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। स्टेटमेंट कहती है दैट इज द इज ए मल्टीपल ऑफ 7। बेटा n यहां पर एक नेचुरल नंबर है और ये कहता है 2 की पावर 3n में से 1 सबट्रैक्ट कर दे, जो भी नंबर आए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है 7 का मल्टीपल होने का मतलब बेटा ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ये पूरा जो नंबर बनेगा जो भी n के लिए नेचुरल नंबर डालने पर जो भी नंबर यहां आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट तो ये गिवन है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, लेकिन हमें चेक करना है कि प्रूव दैट p of 5 इज ट्रू। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट p of 5 इज ट्रू। सॉल्यूशन गिवन स्टेटमेंट जो भी उसे लिख दो, p of n बराबर 2 की पावर 3 इनटू में n माइनस का वन, n की वैल्यू 5 डाल दें, 2 की पावर 3 इनटू में n की जगह 5 माइनस वन, 2 की पावर 15 माइनस का वन, ठीक है बेटा। 2 की पावर 15 कितना होता है, जो भी होता है 2 की पावर 15 उसको सॉल्व करेंगे, उसमें से एक सबट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आया वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 7 से डिवाइड है तो p of 5 ट्रू हो जाएगा, अगर 7 से डिवाइड नहीं है तो ये रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर 15 कितना होता है बेटा, 2 को 15 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 7 * 2 की पावर 7 * 2 बेस सेम पावर जोड़ देंगे तो 7 7 + 14 + 1 15 आ जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई 128 होता है, 128 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, ये अपने आप करके देखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो आया, जो भी आंसर आया वो 2 की पावर 15 की वैल्यू हुई, उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक करो। अगर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर 0 आता है उस केस में, तो ये p of 5 इज ट्रू, तो p of 5 ट्रू हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू 5 के लिए रिजल्ट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, जो आंसर जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये p of 5 इज नॉट ट्रू, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है, मतलब जो आंसर आएगा वो पूरा पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए, वो अपने आप चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चेक करें। क्वेश्चन नंबर है सेकंड पार्ट, p of n स्टेटमेंट गिवन है, p of n स्टेटमेंट बेटा ये है n into में n plus 1 into में n plus 2 is divisible by 12 into में n plus 2। स्टेटमेंट ये p of n that is the given स्टेटमेंट और ये कहता that is divisible by divisible by 12, ये पूरा रिजल्ट 12 से डिविजिबल है, 12 से। तो हमें प्रूव करके दिखाओ कि p of 3 और p of 4 तो ट्रू है बट p of 5 इज नॉट ट्रू। प्रूव दैट p of 3 और p of 4 आर ट्रू बट p of 5 इज नॉट ट्रू। सॉल्यूशन p of n क्या गिवन है, लिख दो ये गिवन है p of n बराबर n into n plus 1 into n plus 2। चेक करना है p of 3 और p of 4 ट्रू है, दोनों ट्रू होने का मतलब है कि पूरा रिजल्ट डिविजिबल बाय 12 होना चाहिए। p of 3 का मतलब क्या बेटा, इसमें n की जगह 3 डाल दे तो p of 3 बन जाएगा, तो n की जगह 3 डाल दो, p of 3 यहां पे भी 3 3 plus 1 3 plus 2 that is equal to 3 into में 3 plus 1 4 into में 3 plus 2 5 कितना आ गया बेटा 60। जो 60 है इज डिविजिबल बाय
क्या ये 12 से डिविजिबल है? हाँ ये 12 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब p of 3 is true। p of 4 निकालो बेटा, p of 4 भी true होना चाहिए। p of 4 निकाल रहे हैं, 4 डाल दो, 4 plus 1 4 plus 2, इसमें डाल दिया p of 4, इसमें n की वैल्यू 4 पुट कर दी बेटा, 4 आ गया, 4 plus 1 आ गया, 4 plus 2 आ गया, 4 गुना में 5 into में 6, आंसर चेक करो कितना आया। p of 3 तो पहले ही ट्रू करके दिखा चुका हूं बेटा, p of 3 ट्रू करके दिखा चुका हूं, p of 4 निकाल रहा हूं। 20 को 6 से गुणा कर दो, 120, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 12, सो दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब ये भी 12 से ग्रेट हो जाएगा, तो 12 से जो p of 4 क्या है, ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब p of 4 भी 12 से ग्रेट होना चाहिए। अच्छा, p of 5 इज नॉट ट्रू, p of 5 के लिए हम क्या करते हैं, n की जगह 5 डाल दो, n के स्थान पर इसमें 5 डाल दो, इसमें तो 5 plus 1 5 plus 2 5 into 6 into 5 into, जोड़ दो 7, ठीक है। ये क्या बनेगा, 6 5 जा 30 30 को 4 से ऐड कर दो, 210 210 को चेक करो कि ये 12 से ऐड हो रहा है क्या, 12 1 जा 12, ठीक है, 9 आ गया, 0 आ गया, 12 7 जा 84, रिमाइंडर कितना बचा 6, तो इसका 210 12 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 6 बच गया, 6 रिमाइंडर आ गया बेटा, और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय 12। इसका मतलब p of 5 इज फॉल्स, इसका मतलब p of 3 और p of 4 तो ट्रू हैं, लेकिन p of 5 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड पार्ट, पहले का, पहले के थर्ड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्ट में बेटा n स्क्वायर बराबर है n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। इसमें क्या पता लगाना है कि प्रूव दैट p of 2 एंड p of 5 आर ट्रू, प्रूव दैट p of 2 एंड p of 5 आर ट्रू। सॉल्यूशन 4 p of 2 के लिए हम चेक कर रहे हैं, फॉर p of 2 के लिए हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। p of 2 के अंदर, इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, वेयर, अरे बेटा p of 2 निकालना चाह रहे हैं, यहां पे n की वैल्यू 2 है, ये बता रहा हूं बस, इसमें यहां पे 2 कौन है, n की वैल्यू है, n बराबर 2, तो n बराबर 2 के लिए इसको चेक करना है, किसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों निकालो कि बराबर आएगा या नहीं आएगा, p of 2 चेक करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट, ये लेफ्ट, n की वैल्यू 2 का मतलब 2 मैंने बता रखा है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यानी कि दो टर्मों का सम, पहली दो टर्मों का सम, वो कौन है, दैट इज इक्वल टू 5। राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड ये आपका, इसमें n की जगह 2 पुट कर दो, हम n की 2 के लिए प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, n की 2 पुट कर दो, 2 डालने पे 2 जा 4 प्लस 1 अपॉन में 6, बेटा यहां पे n की 2 डालिए, 2 इनटू में 2 plus 1 2 plus 1 2, यहां डालेंगे 2 2 जा 4 plus 1, ठीक है, तो यहां पे कितना बनेगा, 2 into में 3 into में 5 upon में 6, 2 3 जा 6 6 6 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5, तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के, सो p of 2 is true। अब 4 p of 5 के लिए चेक करो बेटा, यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो n के लिए 5 के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है,
जब एनपीयू 2 के लिए चेक किया तो कितनी टर्म ली आपने, पहली दो टर्म ली। जब एनपीयू 5 के लिए चेक कर रहा हूं, एनपीयू 5 के लिए, तो पहली पांच टर्म लेना पड़ेगा आपको, पहली पांच टर्म। तो क्या क्या है, पहली पांच टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले पांच टर्म में क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 20 का, क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। इन सब का सम चेक कर लो, 16 और 25 और 25 25 जोड़ेंगे 50 55 55। लेफ्ट हैंड साइड डाली, राइट हैंड साइड निकालो बेटा, राइट हैंड साइड आपका, ये राइट हैंड साइड ये है, इसमें एनपीयू 5 डाल दो। एनपीयू 5 के लिए यहां से पहली पांच टर्म उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहली पांच टर्म, पहली टर्म 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म 3 का स्क्वायर, चौथी टर्म 4 का स्क्वायर होगी, पांचवी टर्म में 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 55। अब एनपीयू 5 राइट हैंड साइड में डाल देंगे, इसमें एनपीयू 5 डाल देंगे, 5 5 प्लस 1 5, यहां पे 2 × 5 10 प्लस 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 5 × 6 × 11 अपॉन में 6। 5 × 5 + 1 = 6 10 + 1 = 11 6 6 = 55। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी 55 है, राइट हैंड साइड भी 55 है, तो इसका मतलब एनकेलू 5 इज ट्रू। तो एनकेलू 5 के रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, तो पी ऑफ 5 इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा, छोटे क्वेश्चन है ये, लेकिन जो बाद में क्वेश्चन आएंगे थोड़े से लेंथी आएंगे, उसके अंदर एनक्यूल्यू 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा और एनक्यूल्यू के लिए एज्यूम करना पड़ेगा, फिर एनक्यूल्यू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 3n, पी ऑफ एन सच दैट, दिस इज द सिंबल फॉर सच दैट, ये पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट है, वो ऐसी है कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 3n, 2 की पावर n ग्रेटर देन 3n, n belong to natural number, ठीक है? वो कहता है कि 2 की पावर के ऊपर n ले लूं, n क्या कोई natural number लगा दो यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी लगाना चाहे, वो greater than किससे 3 × n, n भी क्या है कि natural number है, लेकिन चेक करना क्या है इसमें, इसमें क्या है कि ये result true है, ये कहता है अगर p of k true है तो बताओ p of k plus 1 is also true, if p of k is true then p of k plus 1 is also true, ये करना है बेटा। तो मैं मान लेता हूं p of k true है बेटा, p of k true मानने का मतलब n की वैल्यू k के रिजल्ट को सच मानना होता है, p of k true मानने का मतलब क्या है, n की वैल्यू k के रिजल्ट को सच मानना होता है। तो सॉल्यूशन, लेट p of k is true, दे ही रखा है, लेट के लगाने की जरूरत नहीं है, p of k is true का मतलब क्या है, p of k is true it means बेटा p of k is true इसका मतलब है n की वैल्यू k के लिए रिजल्ट true है, अरे n के स्थान पर k डाल दे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, 2 तो 2 की पावर k is greater than 3k, मैं मल्टीप्लाई है बीच में 3 × k आ जाएगा, तो 2 की पावर k is greater than 3k that is true, ये रिजल्ट कैसा है, ट्रू। ठीक है जी, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अरे बेटा इसमें n ये कह रहा p ऑफ k इज ट्रू है, तो बेटा इसमें क्या करना है, n की जगह k डाल दो, n के स्थान पर k डाल दो, p ऑफ k बन जाएगा, p ऑफ k बन गया, तो p ऑफ k जब यहां पे k डाल, n की जगह k डाला है तो यहां पर भी k आना चाहिए, तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 3k होना चाहिए, दैट इज ट्रू। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये सच होना चाहिए बात, कि 2 की पावर k बड़ा है 3k से, ये सच मान लिया, हमें प्रूव करना कि p ऑफ k + 1 इज ट्रू, वी वांट टू प्रूव दिस। ठीक है, p ऑफ k + 1 इज ट्रू, तो n के स्थान पर k + 1 डाल के क्या बन जाएगा, कि p ऑफ k + 1 सच दैट 2 की पावर k + 1 को ग्रेटर देन दिखाना चाहते हैं 3 × n के स्थान पर बेटा k + 1, मैं n के स्थान पर k प्लस 1 डाल रहा हूं, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन का सिंबल 3 × 3 × n के स्थान पर k प्लस 1,
जब n के सामने k प्लस 1 डालूंगा तो ब्रैकेट में डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रैकेट लगानी जरूरी है k प्लस 1 पर, अगर बाहर 3 या कोई भी चीज लिख रखी है तो। हमें ये प्रूव करना है, एक्चुअली वी वांट टू प्रूव दिस, वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू, हम इसे ट्रू मान के चल रहे हैं, इसे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन दोबारा पसंद करो, चलो मतलब इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, मेन बात ये 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 3k, दैट इज गिवन, ये बेटा गिवन है कि 2 की पावर k ग्रेटर देन 3k होगा, ठीक है। आप एक बात जानते हैं 2 की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर k * 2 की पावर 1 लिख सकता हूं बेटा, ये जो 2 की पावर k प्लस 1 इसे क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर k * 2 लिख सकता हूं, और मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बेटा जो गिवन है उसको लेके चलता हूं, 2 की पावर k ग्रेटर देन 3k ये लेके चलता हूं, और मुझे ये बनाना है 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 * में k प्लस 1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ये तो गिवन है, ये रिजल्ट गिवन है, यहां से लिख दिया दैट इज गिवन, तो दोनों तरफ अपनी मर्जी से ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात ध्यान रखना। अगर यहां पे इनइक्वेशन बोलते हैं, इनइक्वालिटी का सिंबल है, इनइक्वेशन का सिंबल है, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो उसके साथ इक्वल का निशान आए या ना आए आ भी सकता है इक्वल का निशान, ठीक है। तो इसे इनइक्वेशन का सिंबल बोलते हैं, इसके दोनों तरफ मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पॉजिटिव नंबर से, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका जो साइन है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो। अच्छा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया, अब मुझे पता है 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर 1 है, दोनों का बेस कैसा है बेटा, सेम, दोनों का बेस हम पावर से जोड़ सकते हैं, तो 2 की पावर क्या आ गया k + 1 ग्रेटर देन, बेटा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों तरफ, ये तो गिवन था, लेकिन दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों का बेस सेम को पावर से जोड़ सकते हैं, 2 की पावर k + 1 बनेगा, और मुझे ये प्रूव करना है 2 की पावर k + 1 ग्रेटर देन 3 * में k + 1, ठीक है। तो 2 की पावर k प्लस 1 चाहिए मुझे, तो इसको लाने के लिए हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बेस सेम हो और पावर जुड़ गया, तो 2 की पावर k प्लस 1 तो बन गया, अब यहां क्या बन गया 6k बन गया, ये क्या बन गया 6k, ठीक है, 3 2 जा 6k, अच्छा 6k को क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन, मुझे ये प्रूव करना है कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 * में k प्लस 1 होना चाहिए, जबकि यहां पर 6k आ रहा है, 2 की पावर k प्लस 1 आ गया ग्रेटर देन आ गया, बस वहां पे 3 * में k प्लस 1 है, यहां पे 6k है, तो इसको कैसे चेंज कर रहे हैं देखते हैं, 3k प्लस 3k लिख सकता हूं, 3k प्लस 3k बेटा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में एक बात कह सकता हूं, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3k की जगह तो 3k लिख दो, 6k को 3k प्लस 3k लिख दिया, ये 3k तो है यहां पे, यहां भी 3k है, लेकिन इस 3k को हटा के इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस का 3 लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों क्यों बेटा, 3k हमेशा बड़ा है किससे, 3 से, सभी नेचुरल नंबर के लिए, जब नेचुरल नंबर 1 से बड़ा हो, 3k प्लस 3k ऑलवेज ग्रेटर देन 3k प्लस 3, बेटा 3k तो 3k के बराबर आ गया, लेकिन इस 3k की जगह जैसे ही मैं 3 लिखूंगा ना तो ये नंबर तो बड़ा हो जाएगा और ये नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सीधा लिख सकता हूं कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3k प्लस 3 से, तो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 3 को मन निकाल लो k प्लस 1 है इसका रिजल्ट, बस यही प्रूव करना था, ठीक है। अब यहां पे कोई बच्चे कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, ठीक है, यहां पे 6k बना दिया, 6k को 3k प्लस 3k लिख दिया, लेकिन ये रिजल्ट ग्रेटर हो गया इससे कैसे, ये समझना चाहता हूं मैं, चलो देखते हैं, 3k बराबर 3k है, ये लिख सकता हूं 3k इज इक्वल टू 3k, समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं बेटा, 3k इज इक्वल टू 3k लिख दिया, 3k प्लस 1 बराबर 3k प्लस 3 लिख दो, चलो 3k प्लस 3 लिख दो, मैंने 3 नहीं लिखना, सॉरी यहां पे 3 लिखना है, क्यों, क्योंकि यहां पे 3k प्लस 3k है, ठीक है, 3k प्लस 3k है, k क्या नेचुरल नंबर है बेटा, k नेचुरल नंबर है, ये बात ध्यान रखना, k नेचुरल नंबर, k की वैल्यू 1 डालो तो 3k प्लस 3k आ जाएगा, तो यहां पर भी 3k प्लस 3 है, दोनों बराबर हो गए, लेकिन बराबर का निशान नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी, बेटा n की वैल्यू यहां पर 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों, अगर यहां पे n की वैल्यू 1 होती तो ये रिजल्ट फेल हो जाएगा, डाल के चेक कर लो n की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 3 * 1, 2 ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं, इसलिए यहां पर n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, डाल के चेक कर लो, ये तो आप अपने आप का शब्द हो,
लेकिन n के लिए ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, सॉरी n के लिए 1 नहीं हो सकती, लेकिन 1 से बड़ी लेनी है, 1 से बड़ी क्या ले सकता हूं, 2 ले लो, यहां पे n के लिए 2 लेता हूं वो भी पॉसिबल नहीं है, तो n के लिए 2 भी पॉसिबल नहीं है यहां पर, अच्छा 3 ले लो, 2 क्यूब इक्वल टू कितना होता है 8 और ये 9 होता है, तो यहां पे n के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। अरे बेटा 1 के लिए भी रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है, 2 के लिए भी रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है, 2 के लिए चेक करके देख लो, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 * 2 4 ग्रेटर देन 6 पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए रिजल्ट फेल हो गया। ठीक है, अच्छा 3 के लिए चेक कर लो, 2 का क्यूब 8 ग्रेटर देन 3 डालेंगे 9, 8 इज ग्रेटर देन 9, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फेल हो गया। तो n के लिए मैं 3 भी नहीं डाल सकता बेटा, यहां पे क्या नहीं पुट कर सकता, 3 भी पुट कर सकता 1 नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 ग्रेटर देन 4 डालने पर 12, 16 इज ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है। तो n की वैल्यू यहां पर क्या-क्या नहीं आ सकती, 1 2 3 नहीं आ सकती, तो 3 से बड़ी आ सकती है, तो 4 5 6 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये इसमें लिख नहीं रखी लेकिन इसका इसका मतलब यही है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 तो ये रिजल्ट सच है, अदरवाइज सच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो और k क्या है, k एक नेचुरल नंबर है, n बराबर जैसे कि आप क्या ले रहे हो, यहां पे n की वैल्यू k पुट करी, फिर n की वैल्यू k + 1 पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो k और k + 1 क्या, ये भी तो नेचुरल नंबर है, जब n की वैल्यू 3 से बड़ी है तो k की वैल्यू भी 3 से बड़ी होनी चाहिए, k की वैल्यू भी बेटा 3 से बड़ी होनी चाहिए। चेक कर लें आप, यहां पर n की वैल्यू 1 के लिए रिजल्ट सच नहीं है, 2 के लिए सच नहीं है, 3 के लिए सच नहीं है, n की वैल्यू 4 के लिए रिजल्ट सच होगा, 5 के लिए सच होगा, यानी कि 3 से बड़े के लिए सच होगा, ये रिजल्ट 3 से बड़े के लिए क्या है, ट्रू है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ये 3 से बड़े के लिए ट्रू है तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है या k + 1 की वैल्यू है, मैं k की वैल्यू कह रहा हूं, k की वैल्यू बेटा हमेशा 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि k खुद एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि n बराबर क्या लिखा आपने, यहां k लिखा है, मतलब n और k बेटा सेम टू सेम चीज है। ठीक है, लेकिन जब n की वैल्यू 3 से बड़ी है तो k की वैल्यू भी 3 से बड़ी, तो यहां पर मैं k की वैल्यू 3 से बड़ी मान के चल रहा हूं। आप सोचो 3k + 3k ग्रेटर देन 3k + 3 क्यों लिखा है मैंने, ये समझाने के लिए बता रहा हूं बेटे ये सारा चीजें, नहीं तो इतना टाइम लगाता नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, यहां से देख के कह रहा हूं k ग्रेटर देन 3 है, अच्छा k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो 3k बराबर 3k, ठीक है, प्लस 3k बराबर 3k, सॉरी 3k बराबर 3k तो होता ही आप जानते हो, लेकिन इसके अंदर 3k ऐड कर दो, ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर दो, बताओ कौन बड़ा है, अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3k + 3k बड़ा है या 3k + 3 बड़ा है, क्यों बेटा, k की वैल्यू 3 से बड़ी, ये 3k तो 3k के बराबर हो गया, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, लेकिन k की वैल्यू 3 से बड़ी, 4 डालो 3 * 12 तो इसका रिजल्ट कितना आया, 12 आया, कम से कम ये 12 है, और ये 3 ही, ये फिक्स है 3 है, तो 3k + 3k बारे में, 3k + 3k के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 3k + 3 होना चाहिए, क्योंकि 3k 3k के बराबर है, लेकिन ये 3k की वैल्यू कम से कम कितनी है, 12 है, क्योंकि k की वैल्यू 3 से बड़ी है, k की वैल्यू 3 से बड़ी, क्या डालो 4 डालो, 4 किया 12 जो 12 है, तो 12 ग्रेटर देन 3 होता है, तो ये पूरा रिजल्ट ग्रेटर देन 3k + 3 होना चाहिए, बस ये ग्रेटर देन 3k + 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर k + 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 3k + 3 होगा, 3 बेटा इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, ध्यान रखना कैसे समझाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन शुरू होने वाला है बेटा, अब वो लेंथी क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगा, बाकी अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं वो थोड़े लेंथी प्रोसेस के होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, सेकंड, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर बराबर n * n + 1 2n + 1 = 6, सेकंड क्वेश्चन, और n के लिए k + 1 के लिए प्रूव करूंगा, फॉर n = 1,
ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। जब वन की बात करते हो n बराबर 1 होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्मों की संख्या केवल 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड निकाल लो, ये राइट हैंड साइड है, इसमें इनके लिए 1 डाल दो, 1 * में 1 + 1 + 1 अपॉन में 6, ठीक है, 1 * में कीजिए 1 + 1, 2 * में 1 + 1, 1 * में 1 + 1, 2 * में 2, 1 + 2 + 1 3 अपॉन में 6, 6 6 कैंसिल बराबर 1, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो n के लिए 1 के लिए मैंने रिजल्ट को क्या दिखा दिया, ट्रू कर दिया, n के लिए 1 के लिए रिजल्ट ट्रू। अब मैं k के लिए सच का क्या करूंगा, k के लिए सच मान लूंगा, बेटा सुनो ये n के लिए 1 के लिए मैंने मिटा दिया है, आपको मिटाना नहीं है, आपको करना है ये n के लिए 1 के लिए प्रूव करने के बाद, n के लिए k के यहां तक करने के बाद उस पर लिखूंगा n के लिए k के रिजल्ट सच है, उसके बाद k प्लस 1 के लिए प्रूव करूंगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने इस रिजल्ट को मिटा देता हूं हमेशा, ठीक है, तो n के लिए 1 के लिए प्रूव करना है, फिर n के लिए k के लिए रिजल्ट को सच मान लेता, लेट Let it is true for n is equal to k. हमने मान लिया n के लिए k के रिजल्ट सच है ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह k पुट कर दो, इधर भी k डाल दो, n के लिए k के रिजल्ट को क्या मान लिया मैंने, सच मान लिया, n के लिए k के रिजल्ट सच मानने के बाद हम प्रूव करना चाहते हैं for n is equal to k plus 1. We want to prove for n equal to k plus 1. हम n के लिए k plus 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो इसमें जहां भी n नजर आ रहा है उसकी जगह k plus 1 डाल देंगे, ठीक है, क्या प्रूव करना चाहते हैं वो लिखना जरूरी है, यहां पर हम दोनों साइड n की जगह k plus 1 पुट कर देंगे और यहां लिख देंगे, ठीक है, और जो आएगा तो यहां पे आएगा n के लिए k plus 1 पुट करने पर उसे प्रूव करेंगे करने के कि वो दोनों साइड बराबर के, चलो n के स्थान पर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, बेटा ये भी लिखना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n के स्थान पर k प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, इस पर डालो n के स्थान पर k प्लस 1, इधर भी k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 बन जाएगा और अपॉन में कितना 6, ये 2n प्लस 1 में किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां लिख के दिखा देता हूं, n के स्थान पर k प्लस 1 क्या कर रहे हैं, n के स्थान पर k प्लस 1 डाल रहे हैं, इसमें भी डालना चाहते हैं n के स्थान पर k प्लस 1, तो इस 2n प्लस 1 को मैं यहां लिख रहा हूं, n के स्थान पर k प्लस 1 ब्रैकेट में आना चाहिए ऐसे, प्लस में 1 अलग से प्लस में 1, इसका मतलब है 2 है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 2, 2k से k से भी 2 1 से भी, तो 2k प्लस 3 आ जाएगा, तो इसकी जगह 2k प्लस 3 डाल सकता हूं, ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो 2n प्लस 1 के स्थान पर क्या आएगा 2k प्लस 3, 2n plus 1 के 2k plus 3, जब n के स्थान पर k plus 1 पुट करते हैं तब आएगी, अच्छा बेटा इसको प्रूव कैसे करें, ये प्रूव करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, k plus 1 का होल, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पूरी वैल्यू यहां लिखी है, इस k प्लस 1 के होल स्क्वायर से पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए ये बात पता होनी चाहिए, मैं बताता हूं कैसे पता चलेगी, दो तरीके हैं पता लगाने के, जो आपने n बराबर k के रिजल्ट को सच मान रखा है, ये रिजल्ट जो k के लिए सच मान रखा है, ठीक है, इसका जो ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म है k स्क्वायर, लास्ट टर्म में जो लास्ट टर्म जो भी आ रही हो वो किसी भी फॉर्म की हो चाहे कैसी भी फॉर्म, n बराबर k के लिए जो रिजल्ट देगा उसकी कह रहा हूं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म है k स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट ये लेफ्ट हैंड k स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो k स्क्वायर है वो k स्क्वायर इससे पहले आएगा, ये याद करवाने की ट्रिक है, k स्क्वायर कौन सा इससे पहले कौन आएगा, k स्क्वायर, इसको देख के लिख दिया, k स्क्वायर, ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये, एक तो ऐसे 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 चीटिंग करके कर दो, चीटिंग ही कर ली यहां से उतार लिया ऐसे तरीके से, ठीक है, दूसरा तरीका क्या कि 2 से पहले कौन है 1 है, 3 से पहले कौन है 2 है, तो 3 से पहले 2 कैसे आया होगा, 3 में से एक सबट्रैक्ट कर दे तो 2 आ जाएगा, 2 में से एक सबट्रैक्ट कर दे तो 1 आ जाएगा,
तो पहले वाली टर्म तक पहुंचने के लिए एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो k प्लस वन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो k आ जाएगा, उस पर स्क्वायर लगा दे। एक टेक्निक मतलब इस पैटर्न को समझना पहले जरूरी है, ये जिस हिसाब से घट रहे हैं ना, जिस हिसाब से कम होते जा रहे हैं उसके हिसाब से इसमें से एक कम कर दिया। अगर इसमें दो कम करके आ रहा होता तो इसमें से दो कम कर देता, तो इससे पहले क्या आएगा k स्क्वायर। अब वन स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक का सम किसके बराबर है वो चेक कर लो, ये रहा जो क्योंकि k के लिए जो रिजल्ट सच माना था आपने वो ये रहा। वन स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक का सम किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख के k प्लस वन 2k प्लस वन अपॉन में 6 प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में क्या इसके 1 है। जब आप इस पूरे के सम की वैल्यू यहां पुट कर दें, हर क्वेश्चन में यही टेक्निक फॉलो करूंगा मैं, कोई नई टेक्निक फॉलो नहीं करने वाला। जब इस वैल्यू को पुट कर दें तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसे निकाल लो बेटा, जो इसमें भी है और जो इसमें उसे कॉमन निकालना है, जो पहले बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों में कॉमन है उसे पहले कॉमन निकाले। तो मैंने k प्लस वन कॉमन निकाल दिया, k प्लस वन जैसे ही मैं कॉमन निकालता हूं यहां से क्या क्या बच गया, k और 2k प्लस वन बच गया। k को 2k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो अपन में 6 प्लस k प्लस वन यहां से कॉमन निकला है ये आ गया बेटा, इसमें से k प्लस वन कॉमन निकाल लिया तो जो यहां बच गया k और 2k प्लस वन बच गया। k को 2k प्लस वन प्लस वन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, k को 2k से 2k स्क्वायर, k को 1 से प्लस में क्या आ जाएगा अपॉन में 6 है प्लस यहां से k प्लस वन निकाला था अभी और यहां से भी निकाला था। जब यहां से k प्लस वन निकाला तो एक k प्लस वन तो बचना चाहिए, होल स्क्वायर था तो एक k प्लस वन यहां बच गया, k प्लस वन की पावर 1 है अपॉन में 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो यहां रिजल्ट क्या बच जाएगा, k प्लस 1 ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम 6 2k स्क्वायर प्लस k बेटा 6 से मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 ब्रैकेट 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन में 6 ये आ गया। क्या करा, एलसीएम ले लिया दोनों का, 6 आया, 6 से 6 कैंसिल, 2k स्क्वायर प्लस k इट इज बच गया, इस 6 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 6k प्लस 6 आएगा। ठीक है, और k प्लस वन इज 2k स्क्वायर इज 6k प्लस 7k प्लस 6 मतलब ये रिजल्ट यहां पर पहुंच गया। उसके बाद क्या करें बेटा, अच्छा रिजल्ट निकालना क्या है, हमें निकालना ये आंसर आना चाहिए ये वाले, इसको प्रूव करना चाह रहे थे हम n के लिए k प्लस 1 के लिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड ये 1 स्क्वायर से लेके k प्लस 1 का होल स्क्वायर लेके चल रहे थे, ये चलते गए एंड में रिजल्ट ये निकला। इसके फैक्टर और बना लो बेटा, इसके फैक्टर आपको बनाने आते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो ये बनेंगे दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 बेटा ये वाला है, इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो यही बनेंगे k प्लस 2 इनटू में 2k प्लस 3 अपने आप बना के देखो k प्लस 2 इनटू में 2k प्लस 3।